सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शहर के विभिन्न कोने में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का निःशुल्क वितरण करवाया जा रहा है। सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त सचिव चेतन ठक्कर एवं प्रवक्ता इकबाल उस्मानी ने विस्तृत जानकारी देते बताया कि संस्था द्वारा योमे आजादी के 75 साल मुकम्मल होने के दो दिन पहले सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शहर के विभिन्न भागों में मुल्क के परचम तिरंगे का निःशुल्क वितरण किया गया। साथ ही सर सैयद अहमद वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सभी शहरवासियों से अपील की कि वह 15 अगस्त को अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों में देश का झंडा तिरंगा अवश्य लगाएं। देश को आज़ादी दिलाने में हजारों क्रांतिकारी एवं नागरिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जब जाकर हमारा यह देश आजाद हुआ। हम सभी को चाहिए कि मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहें एवं देश को उन्नति के पथ पर ले जाएं। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारियों ने शहर के विभिन्न भागों में तिरंगे का निःशुल्क वितरण किया। उपरोक्त जानकारी संयोजक हाजी मोहम्मद अली भाई रंगवाले ने दी। योमे आजादी के 75 साल मुकम्मल होने की खुशी के मौके पर सोसाइटी द्वारा शहर के विभिन्न भागों में देश के परचम को तकसीम किया गया और सभी शहरवासी से अपील की गई कि वो 15 अगस्त को अपने अपने